मंटू। अभी जो है यहाँ पर ये ना बैठ के गद्दे के कवर सिल रही थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था सिलाई मशीन ख़राब हो गई थी, वो सही कराई है मैंने। उसको सही कराने के बाद में अभी है ना मैं ये बैठ के गद्दे का कवर यहाँ पे मशीन रख ली थी ट्रोली पर, यहाँ पर सीम रही थी इसको है ना। इसका जो नीचे का जो घर है ना वो टूट गया है, इस सारी जगह में रखकर सिलाई करनी पड़ती है, वो टूट गया है तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ रख ली थी मैंने। और अंदर है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सोचा कि बाहर बैठ कर ही कर लेती हूँ। तो सिम तो गया, बिल्कुल फिट सिम आया, मतलब उसमें ना नीचे के जो कवर होते हैं वे नहीं है, और बहुत दिक्कत होती है मतलब चढ़ाने में। बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिटिंग का, मतलब जैसा कहते हैं फिटिंग वाला, बिल्कुल फिटिंग का इस तरह से सिला था। तो वही मैं डाल रही थी, मेरा कवर डालते डालते कायरा आकर बैठ गया, बीच बीच में बार बार बैठ जाता है। और यहाँ ले रही हूँ मैं सूखे दूध का पैकेट, शाम का समय हो गया, ये सूखा दूध है, मतलब मैं लाई थी ये सूखा दूध। और मेरे को है ना आइसक्रीम जमानी है, अपनी आइसक्रीम कर रही है, तो यहाँ मैंने सूखा दूध निकाल लिया। इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा पानी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, अपने हिसाब के अकॉर्डिंग, मतलब जितना भी है। तो यहाँ मैंने कैंपर में से पानी इसमें मैं डाल रही हूँ, और इसको सूखे दूध के वो पानी डालने में गांठ सी हो जाती है, वो सारी गांठें जो है ना मैं अच्छे से चम्मच से घोल के इनको फोड़ सी लूँगी, सूखा सूखा रह जाए, कभी जो घुलना है वो घुल जाए, बाकी सूखा रह जाए। तो इसको है ना पहले मैं इसकी जो सूखी इसकी जो इसमें सूखी सूखी सी गांठ हो गई है उनको चम्मच की सहायता से फोड़ लेती हूँ, मतलब इसको घोल लेती हूँ अच्छे से। इसके बाद रखूँगी मैं इसको पकने के लिए, जी हाँ, फिर उसके बाद इसको पकाऊँगी। भगोना थोड़ा छोटा हो गया, बड़े वाला है ना, बड़े वाला भगोना खाली नहीं था, उसमें भी दूध था, तो हो जाता है कभी कभी, मतलब बर्तन जो है भाई इतने ज़्यादा बड़े भगोने नहीं है, गिर जाते हैं। और ये मैंने इस वाले भगोने में घोल लिया था, ये देखिए जो इसमें सूखी सूखी सी गांठ है उनको मैं घोल रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से ना चम्मच की सहायता से घोल लेंगे। और फिर उसके बाद मैं इसको रखूँगी पकने के लिए, जी हाँ, जब हम आइसक्रीम जमा रहे हैं और इसमें सारे जो मेवे होते हैं वे डाल देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ना अपनी बाहर की साइड गई, बोली कि मम्मी बाहर की साइड का थोड़ा दिखाऊँ, अंधेरा हो रहा है और पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं, और दरवाजे इस टाइम सबके लॉक हो जाते हैं, हमारा भी बंद हो चुका है। ये देखिए चंदा मामा की रोशनी आ रही है, चांद निकल रहा है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, अभी दूध को रख देती हूँ पकने के लिए। इतने आप यहाँ देखिए रात का नज़ारा, और इधर टावर की लाइट भी नहीं चल रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, मतलब एक दो बल्ब का भी है ना चांदना दिखाई नहीं देता। ये देखिए दूध पकने के लिए रख देता, निकल भी गया थोड़ा सा। अब तो फिलहाल यहाँ मैं खड़ी थी, पर मैं बिल्कुल मंदी गैस करके है ना गई थी अंदर रूम में कुछ काम के लिए, और ये इतने में उबाल लग के ऊपर को निकल गया थोड़ा सा, मतलब छोटा भगोना होने की वजह से दिक्कत हो जाती है। अभी तो मैंने फुल गैस कर दी थी और मैं यहीं खड़ी थी, और सारे मेवे जो हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। अभी जो है यहाँ उसके बाद मैं ना घर से जो कुछ कपड़े लाई थी ना उनकी तय बना रही थी, और दो तीन सूट मेरे वहाँ पे रखे हुए थे जो मम्मी ने दिए कि इनको लेकर चली जा। तो है ना हमेशा ऐसा ही करती है, जब भी आती है अपना एक आधा सूट भूल जाती है, बच्चों के कपड़े भूल जाती है, फिर भूल गई थी इतने टाइम के बाद, मतलब एक सूट मेरे याद आया वही मैं लेकर आई थी, और एक ब्लैक वाली कुर्ती वहाँ रह गई थी। यार होता है मेरे से, मैं अपने मायके में अक्सर अपने कपड़े भूल जाती हूँ, और जब जाती हूँ लेके भी जाती हूँ फिर भूल जाती हूँ, तो मम्मी बोलती है इससे तो मत लाया करो, यहाँ पे रख के रहते हैं वही डाल लिया कर, मैं भूल जाती हूँ। अभी जो है मैं कपड़ों की तय बना रही हूँ, तो जो कपड़े धुलते रहते हैं इकट्ठे लग जाते हैं संदूक पर, फिर जब भी टाइम मिलता है जैसे भी वैसे ही तय बना लेती हूँ, और अभी सारे कपड़ों की है ना मैं तय बना लेती हूँ।
अभी जो है उसके बाद ये ना कपड़े धोने की मशीन है ना, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को साफ़ करनी थी, धूल भी हो रही है, और फिर सोचा कि इसको एक बार साफ़ करके देख लेती हूँ, चला के देखूँगी चल जाएगी क्या। तो मैं इसको ना बाहर निकाल के लेती हूँ, मुझसे ये उठने वाली तो थी नहीं, बाहरी है, अकेले कैसे मतलब मैं इसको बाहर उठा कर लेती। तो ऐसे इसमें वैसे नीचे पहिया हैं पर कच्चे में ना, वही है दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत गिरस्त लगती है, निकाल लाई बाहर। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइडों में ना इस साइड में मच्छरदानी वगैरह हटा कर सिंगवा रही थी, कुछ जाले लग रहे हैं वो निकाल रही थी ऊपर से लेप पे दीवार पे। अरे काम तो यार सच में है ना सारे दिन रहता है, तो वही मैं भी कर रही थी, इधर पीछे जाले वाले लग रहे थे थोड़े बहुत, और स्लिप भी साफ़ करना था। फिर है ना अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, तो फटाफट से ना अभी झाड़ू निकाल दूँ, और ये देखिए पूरा रूम जो है ना क्लीन पड़ा है। बस मेरे कपड़े रखे जो उनसे मुझे नहा के पहनने, कुछ कपड़े थे उनकी तह भी बना दी जब आप लोगों ने देखा था, बेडशीट बदल दी, पूरा रूम साफ मतलब पोछा उछा लगा के फिट कर दिया, छोड़ दिया, पूरा रूम कंप्लीट हो गया। अभी बाहर है ना यहाँ मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ स्लिप पर टावर के इसके सॉरी इन्वर्टर के पास में ना अक्सर कूड़ा हो जाता है, वहाँ साफ़ कर रही थी मैं, वहाँ झाड़ू ज़रूर लगानी पड़ती है। स्लीपर तो मैं अब नहीं लगाती पर यहाँ लगानी पड़ती है, क्योंकि साइड में ना करंट लग जाएगा भी डर रहता है, छेड़ते नहीं है, बंद भी रहे तो बिजली का क्या भरोसा है कब आ जाए। और ये जो बेसन है इसको मैं अभी थोड़ी सी देर के लिए ना धूप में रख रही थी। मुझे एक कमेंट आया था कि आप है ना ये बेसन और जो मैदा है उनको फ्रिज में रख देख लो, फिर उनमें ना और किसी ने बताया अभी तो मेरे को कॉल पे कि इनमें ना फिर पिड़ाई नहीं होती, मतलब जो वो बोलते हैं सुलसुली वो नहीं होती, आप इनको फ्रिज में रखा करो मैदा और बेसन को। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना इसको है ना धूप में सुखाना है, फिर मेरे को इसका कुछ बनाना है, वो आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं बना रहे, एक दो दिन के बाद देखते हैं। अभी मैं इसको धूप में रख देती हूँ, और इधर चीनी का डिब्बा रखा हुआ था उसमें भी कीड़ी भर गई थी, चीनी भी बाहर रखी मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए कि कीड़ी निकल जाए, पता नहीं यार कहाँ से मतलब कीड़ी घुस जाती है, इसलिए पर है ना कुछ ज़्यादा ही कीड़ी रहती हैं, तो वही मैंने यहाँ पर रखी थी। तो ये जाली हमारे राजा जी गैल चीनी में उनको सुखाने नहीं देता कोई भी चीज़, मतलब अब कहाँ सुखाऊँ, छत पे तो नहीं सुखाने जाऊँगी, दीवारों पे इधर घास घूस है पीछे वहाँ नहीं सुखाऊँगी, यही भीत है तो सुखाना पड़ता है, ट्रॉली वगैरह पे तो फिर कौवे उवे मंडते हैं, पर जहाँ नहीं कहाँ हो सके। और अभी आ गई थी लाइट, अभी मैं कर लेती हूँ कपड़े धोने की मशीन साफ हो रही है ना, गेहूँ का मतलब जो है आटे का कट्टा है उसको भी धो दूँगी मैं अब जा और सुखा दूँगी, फिर जब आटा पिसवाना होगा तब ये काम आता है, इसको भी मैंने सुखा के धो के धर दूँगी, अभी बाल्टी में भिगो लेती हूँ। और ये साथ के साथ है ना कपड़े धोने की मशीन भी धोनी है, पानी भरना है, जब लाइट आ जाती है ना चार काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े लते धोने होते हैं, पानी भरना होता है, ए भाई बच्चे नहाते हैं, फिर मेरा और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। मैं इससे पहले पहले सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा निकल जाए, फिर बच्चों का ही काम रह जाएगा। तो अभी जो है यहाँ पर मैंने नई कट्टा जो है वो धुल लूँगी, और इसको धुलने के बाद में फिर मेरे को बनाना है खाना, जी हाँ खाने की तैयारी करनी है। और खाने में हमने बनाए हैं आज आलू बैंगन की सब्ज़ी, हमने आप लोगों के साथ इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, नॉर्मल बिल्कुल जीरे में छोक कर बनाए हैं, कोई लहसुन प्याज वगैरह नहीं डाले, आज मन नहीं था बिल्कुल, सादी सिंपल सब्ज़ी खाने का मन था। और यहाँ भी जो है आप लोग देख सकते हैं हम बैठे हुए थे, और मम्मी ने दूध निकाला था, आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, ये दूधिया दूध लेने के लिए आया था, तो उधर बैठ कर मम्मी दूध दे रहा था, दूधिया उधर बैठ कर दे रही थी। हम लोगों के सामने तो मतलब ये दूध देना भी पसंद नहीं करते दूधिया को, कहीं हम लोग देख ना ले यार, हम लोगों को क्या है वो, हम लोगों को तो वैसे भी नहीं देते हैं हम लोग है ना, बस अगर देख भी लें तो उनसे भी दिक्कत हो जाती है, क्या करें लोगों को बदल तो नहीं सकते, हम तो अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं बस, यही है भगवान भरोसे चल रही है। चलिए आप लोग अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या मिला है भाभी के मायके से, मुझे कल कमेंट आ रहे थे कि आपने दिखाया नहीं भाभी के मायके से क्या मिला है क्या मिला है, तो अभी है ना आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या मिला है। और वैसे तो देखिए मैं नहीं मानती कि हम किसी के यहाँ कुछ खुशी में लेकर जाएं तो बदले में वो हमें कुछ दें, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम 100 का देकर आए तो 200 का ले आए फिर हमारे दिए हुए का फ़ायदा क्या है, पर फिर भी है ना देते हैं, ये सिस्टम ही है भाई, सबको देना पड़ता है, लेना देना ये सब चीज़ें चलती हैं। तो क्या क्या दिया है वो अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं, तो चलिए अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ भाभी के मायके से क्या क्या मिला। जैसे कि मैंने बताया तो मैं यहाँ निकाल पर बैठ गई, और यहाँ पे मेरी आवाज़ है ना कम आ रही थी, इस वजह से मैंने ना वॉइस ओवर कर दिया। एक तो ये वाला सूट मिला है, इस पर है ना पूरे पर वर्क हो रखा है, और नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देते हैं, और देखिए पीछे से भी, तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा खोल के दिखा देते हैं। और
बहुत अच्छा लग रहा है ये सूट देखने में तो। और अभी जैसे भी आप लोग बताइए, मेरी पसंद तो है ही, चल मुझे तो पसंद आ रहा है, आप लोग भी बताइए आप लोगों को कैसा लगा। इस पर जो है ना कुछ इस तरह की चुन्नी है, चुन्नी बहुत प्यारी लग रही है, तो इसको थोड़ा सा डाल लेते हैं तब दिखाते हैं। देखिए कैसी लग रही है चुन्नी, बहुत सुंदर लगी मेरे को तो देखने में। और जो है इसका आप लोगों को थोड़ा नज़दीक से दिखा, देखिए इस तरह का वर्क है ना इस पर सारे पे हो रहा है। नीचे बहुत बारीक कलर की बारीक एक लेस लगी हुई है, ये देखिए इसकी कढ़ाई कितनी प्यारी लग रही है। तो ये सूट है और ये जो दो कायरो कपड़ा ले रहा है, 2 मीटर कपड़ा बच्चों के नाम का है और एक पैंट बुसेट का जोड़ा है। इसे कैसे मान लीजिए बच्चों के पापा के नाम का, या फिर इसे बच्चों के नाम का ही मान लीजिए। और बस ये रहा, तो ये सब चीज़ें मिली थी हम लोगों को वहाँ से, तो सो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। यही है जिससे जितना जो कुछ बनता है सभी देते हैं, और ये सारा कपड़ा इन लोगों ने दिया और साथ के साथ ना विदा की दी सबने, तो मतलब काफ़ी सारे पैसे हो गए। बच्चे तो मतलब एकदम, मैंने भी मतलब अपना भी जो फर्ज होता है वो सारा पूरा किया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे सबको पैसे देकर आए, उन्होंने भी पैसे दिए विदा की, और ये कपड़ा लत्ता दिया। और हम करीबन 2 घंटे रुके, काफ़ी मन लगा, फिर हम लोग जो है ना आ गए। तो कपड़ों को लेकर बहुत सारे कमेंट आए थे, आप लोगों को बहुत पसंद आए कि कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोगों ने मतलब कमेंट किया कि दीदी गुड़िया के कपड़े बहुत अच्छे लगे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।